हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ गुड़गांव के सूरजगढ़ फार्म्स। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूरजगढ़ फार्म से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, वो हर एक जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के लोकेशन के बारे में बात करें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 59 गुड़गांव हरियाणा का रहेगा। यहाँ तक आने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 55-56 का होगा। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आप देख सकते हैं 55-56 मेट्रो पे आना है, फिर वहां से आप टैक्सी लेके यहां तक इजीली पहुंच पाएंगे। आप खुद के व्हीकल से आते हैं तो यहां पे पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगा। तो यहाँ का टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये पार्क सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। बाकी बहुत सारे अट्रैक्शन यहाँ पे है वो आप देख पाएंगे, जैसे बैलेंस थीम्ड एडवेंचर पार्क होगा, कई सारी चीजें आप यहाँ पे खा पी पाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे कॉर्पोरेट पार्टी, बर्थडे पार्टी, स्कूल पिकनिक के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर पाएंगे। साथ यहाँ पे एक्साइटिंग जोन बनाया हुआ है, ये कैमल राइड कर सकते हैं, टॉलेस्ट जिप लाइन होगा, उसके बाद फूड्स वगैरह यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये सारे चीज़ों के आप मज़े यहाँ पे आके ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहेगा सूरजगढ़ फार्म का टिकट काउंटर और यहाँ पे अडल्ट का टिकट रहेगा 1350 रुपये और 3 फीट से नीचे के बच्चों का यहाँ पे टिकट बिल्कुल फ्री रहेगा। यहाँ पे 3 से 4 फीट तक के बच्चों का टिकट 700 रुपये लगेगा और उसके ऊपर के सभी लोगों का 1350 रुपये लगेगा। अगर आप सूरजगढ़ फार्म का टिकट सूरजगढ़ फार्म के टिकट काउंटर से खरीदते हैं तो 1350 रुपये का पड़ेगा और यही टिकट अगर आप इन नंबरों पे कॉल करके या फिर drsdeals.in वेबसाइट पे जाके खरीदते हैं तो आपको 850 का पड़ेगा। drsdeals से टिकट खरीदने पे आपको सीधा 500 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। drsdeals से आप और भी बहुत सारे फार्म्स के टिकट खरीद पाएंगे, जैसे रंगमंच फार्म्स का हो गया, जॉयगांव का हो गया, माधवगढ़ का हो गया, यदुवंशी का हो गया। तो इन सारे फार्म्स के सस्ते में टिकट आपको drsdeals.in वेबसाइट में मिल जाएंगे। टिकट आप इन नंबरों पे कॉल करके भी खरीद पाएंगे या फिर drsdeals.in वेबसाइट में जाके भी खरीद पाएंगे। काउंटर के सामने आप कई सारे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट देख पाएंगे, के अंदर जाके आप सेल्फी ले सकते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर आप फोटोग्राफी करा सकते हैं, तो कई सारे सेल्फी पॉइंट आपको बाहर ही दिख जाएंगे। अब चलते हैं अंदर, आपको पूरा फार्म्स दिखाते हैं। ये एंट्रेंस है यहाँ का, तो चलिए फार्म्स के अंदर चलते हैं, आपको पूरा सूरजगढ़ फार्म दिखाते हैं। तो एंट्रेंस पे ना आपको यहाँ पे पहले बैंड बांधा जाएगा आपके हाथ से, उसके बाद तिलक लगा के आपका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं सूरजगढ़ फार्म के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखेंगे, गोरिल्ला भी होगा देख सकते हैं, इनके साथ भी आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। ये देखो क्या कर रहा है गोरिल्ला। ओ भाई। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स वगैरह दिख जाएंगे, यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। तो बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में दिख जाएंगे जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे। ये देख सकते हैं जय वीरू का यहाँ पे बुलेट होगा, तो यहाँ पे भी आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं इस तरह से कुछ। इस पूरे वॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी फोटोग्राफी कर पाएंगे। ये स्कूटर होगा, तो कई सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये एलिफेंट होगा, देखते हैं बहुत बड़ा एक एलिफेंट का स्टैचू बनाया हुआ है, तो आप एलिफेंट के साथ भी यहाँ पे फोटोग्राफी कर पाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरफ चरखा होगा, कई सारे यहाँ पे गाड़ियाँ है, ATV राइड भी आप कर सकते हैं और सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं इसके साथ। ये ऑटो होगा, ऑटो के साथ भी आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। ये 3 बाइक भी मिल जाएगी, इस तरह के ऑटो भी आपको दिख जाएंगे और इस तरह का इंजन वाला जो गाड़ी है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस बार सूरजगढ़ फार्म में कई सारी नई एक्टिविटी भी स्टार्ट हुई है, वो सारी एक्टिविटीज भी आपको किस तरफ कौन सी चीजें आप कर पाएंगे वो यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे मनोरंजन किधर होगा और मानसून मेनिया किधर होगा, चेंजिंग रूम किधर होगा, सामान घर, उत्सव मेला, रंग भूमि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएं। तो इस तरफ आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, इधर मिट्टी के चूल्हे होंगे, खान पान होगा, प्रसादन होगा, किस में कितना है दम, मेरा बचपन,
जंगल सफारी, तो ये सारी चीजें आप इस तरफ देख पाएंगे। लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे वेलकम ड्रिंक्स वगैरह दिया जाएगा। और इधर भी देख सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, बोलने वाला पेड़ भाई कितना बढ़िया बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। खान पान के लिए यहाँ पे ना चार हॉल बनाया हुआ है, चलते हैं। इस तरफ होगा खान पान के लिए हॉल, पहला हॉल होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा। यहाँ पे आप इंडोर डाइनिंग भी कर सकते हैं, आउटडोर डाइनिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरह की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और लंच टाइमिंग रहेगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो ये कुछ डाइनिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, और दिखाते हैं आप यहाँ पे क्या खा पी पाएंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कई टाइप के सैलेड्स वगैरह होंगे, चाउमीन होगा और ये बूंदी रायता होगा, चावल होगा। ये दाल होगा, आगे ये शाही पनीर होगा, ये राजमा दाल है, ये राजमे की सब्जी है, ये मिक्स सब्जी होगा, इधर कड़ी की सब्जी होगा, कड़ी पकौड़ा, ये चाउमीन होगा, ये वेज मंचूरियन होगा, रोटी, ये हलवा होगा, ये खीर होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे खा पाएंगे। हमने बनाया हुआ डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे ना सेल्फी पॉइंट दिखेगा, एक एक हिरण का स्टैचू देख पाएंगे, एक जिराफ का स्टैचू देख पाएंगे, एक डायनासोर का स्टैचू देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 ट्रम्पलिन लगा हुआ है, तो इसके अंदर आके भी आप इंजॉय कर सकते हैं इस तरह से। और इसका अलग से कोई टिकट नहीं है, टिकट के साथ ही होगा सारा कुछ। तो अंदर ना कई सारे इस तरह के हर्ट्स आपको दिख जाएंगे, तो यहाँ पे बैठ के आप आराम कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं। ये फरीदाबाद बनाया हुआ है और यहाँ पे आप पपट शो देख पाएंगे, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा तो आपको दिखाएंगे यहाँ पे पपट शो। तो अब मैं आपको यहाँ पे पपट शो दिखाने जा रहा हूँ। गुलाबू भाई आ गए, गुलाबू भाई नमस्कार। आप ना यहाँ पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इस तरह से जंपिंग जबाक वाला यहाँ पे झूला लगा हुआ है, और ये बुल राइड भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। अलग से टिकट है क्या? नहीं, अच्छा टिकट के साथ ही आपको ये मिलेगा बुल राइड करने को। तो ये वाला जो बुल राइड है इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है, ये आपके टिकट प्राइस में इंक्लूड रहेगा। अच्छे से पकड़ना, अच्छे से छोड़ना नहीं है, रोकना है, रोकना है, और गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओ भाई ये तो जान क्यों उतर गया, ऐसा लगा, ऐसा लगा। और ये मारी बॉल, और ये मैच विकेट उड़ गया पीछे से। तो आप ना यहाँ पे बॉलिंग वाला गेम भी खेल पाएंगे, तो हम यहाँ पे बॉलिंग खेलने जा रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं नॉकआउट वाला गेम भी होगा यहाँ पे, तो ये नॉकआउट वाला गेम भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप, है ना। बचना बचना बचना, खड़े रहो खड़े रहो, एक जगह पे कूदो ना, एक जगह पे भागना नहीं, भागना नहीं, बस कूदो कूदो, खड़े रहो। ये टारगेट गेम है और इसमें क्या है कि ये बॉल चीज है, ये उठा के इसको मार सकते मारे वो देखिए पूरा ही ऊपर चिपका। तो यहाँ पे ना इस तरह के कई सारे झूले होंगे छोटे बच्चों के लायक, तो ये इस तरह के झूले भी आप यहाँ पे झूल पाएंगे। बहुत सारे झूले होंगे यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों के लिए एक कोर्स बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए, तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चे यहाँ पे कर पाएंगे। इस तरफ होगा ये, इस तरफ होगा, इस तरह का एक कोर्स भी होगा,
और कई सारे स्लाइड्स भी होंगे इस तरह के, तो बच्चे इस तरह के स्लाइड्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। मिक्की माउस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा मिक्की माउस यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चे देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। और इसमें बच्चे कोई ना, ये उल्टे आ रहे हैं, ये आ गए भाई साहब। अपना बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल होगा, देख सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत बड़ा यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, तो यहाँ बढ़िया पानी भी लगेगा, पूल के अंदर आके भी आप एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बड़ा पूल है, पूल के साथ में आपको रैंडांस वाला एरिया भी दिख जाएगा, लॉकर एरिया भी दिख जाएगा, और इसके साथ चेंजिंग रूम भी आपको एक ही जगह पे दिख जाएगा, शावर एरिया भी बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे है। तो अगर आप पानी के अंदर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके पानी में भी एंजॉय कर पाएंगे। एक तालाब भी बनाया हुआ है, और आप यहाँ पे देखते हैं केले का पेड़ भी होगा, और केले भी लगे इसमें, केला लगा हुआ है। इधर देख सकते हैं कई सारे बतख वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बतख के लिए जगह रहेगा। वो नहीं है शायद, अंदर उसके अंदर सो रही है ये गई अंदर। यहाँ पे कुआं भी होगा, तो आप यहाँ पे कुएं का फील भी ले पाएंगे। ये ऊपर जाली लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुआं भी आप देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप दो गेम खेल सकते हैं, वीआर गेम होगा, ये कार्निवल गेम होगा। वीआर गेम खेलने का यहाँ पे 100 रुपए टिकट रहेगा, मतलब एक गेम खेलते हैं तो 100 रुपए टिकट रहेगा, दो गेम खेलते हैं तो 150 रुपए टिकट रहेगा। तो ये इस तरह का कुछ वीआर गेम एरिया बनाया हुआ है, तो हेडसेट लगा के आप ये वाला गेम खेल पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक गेम का 100 रुपए, और दो बॉल लेते हैं तो 100 रुपए रहेगा, 5 बॉल लेते हैं तो 200 रुपए टिकट रहेगा। तो यहाँ पे आपको बॉल वाला गेम खेलने को मिलेगा, ये सारे गिलास गिरा देते हैं तो ये टेडीज वगैरह आपको इनाम में मिलेंगे। हेड मसाज के लिए ये वाला एरिया बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे हेड मसाज भी करा सकते हैं, और टिकट के साथ ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ना आप राजस्थानी ड्रेस पहनकर फोटो भी खिंचवा सकते हैं, और ड्रेस चार्ज यहाँ पे 100 रुपए पर हेड लगेगा। तो ये एरिया बनाया हुआ है, और आपको यहाँ पे राजस्थानी ड्रेस वगैरह मिल जाएगा, तो राजस्थानी ड्रेस पहन के आप यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे बनारसी पान खाने को मिल जाएगा। कितने का होगा भैया पान? 50 का, कोई सा भी फायर पान, चॉकलेट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपको फायर पान मिल जाएगा, स्मोक बिस्किट मिल जाएगा। यहाँ पे एक एरिया बनाया हुआ है चाय सदाबहार, भारत की गलियों से, तो यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह खा पाएंगे। तो स्नैक्स सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे आप टिक्की खा पाएंगे, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खा पाएंगे। जलेबी होगा, ये देखते हैं, भेलपूरी होगा, सेवपूरी होगा, नूडल होगा, ये क्या है, पकौड़ा होगा, पकौड़ी होगा, ये फ्रेंच फ्राइज होगा, ये पापड़ होगा, ये गोलगप्पे भी आप यहाँ पे खा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ना अलग अलग एरिया को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे ये चंडीगढ़ वाला एरिया रहेगा, और चंडीगढ़ वाले एरिया के जस्ट बगल में आपको ये गेम जोन भी देखने को मिलेगा, ये वॉलीबॉल वाला एरिया रहेगा, ये रिंग वाला गेम रहेगा, ये भी एक बॉल वाला गेम है, ये और एक वॉलीबॉल वाला गेम होगा। यहाँ पे आप कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं, ये देख सकते हैं कैरम बोर्ड भी यहाँ पे आप खेल सकते हैं। बादशाहपुर बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आर्चरी गेम खेल सकते हैं आप, और इधर डार्ट वाला गेम आप खेल सकते हैं। चलिए खेल के दिखाते हैं आपको। ओ कहाँ लगा, बीच में। अब ये डार्ट गेम खेलने वाला, और ओ, ये लगा 19 पे, ओ पूरा बीच में, ओए 20 पे, सारे मारने हैं, सारे मारने हैं। दोस्तों यहाँ पे ना एक मिनी जू है, और मिनी जू के अंदर देख सकते हैं कितने सारे खरगोश है, कितने प्यारे प्यारे खरगोश है, कितने क्यूट है ना ये सारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सलाद खा रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का उत्सव मेला, और उत्सव मेले में आप मेहंदी लगवा सकते हैं, पोएट्री होगा, और ये मैजिक शो देख पाएंगे आप यहाँ पे। मैजिक स्टिक है, जादू की छड़ी, इस छड़े को यहाँ टेबल में घिस दिया हूँ, हाथ में घिस दिया हूँ, हाथ खाली कह दूंगा लेके आओ, जय काल, जादू की छड़ी घुमा दिया हूँ, देखिए सर हाथ में कोई नहीं। अरे वाह,
एक कॉइन बनाया, नजर में नहीं आया, अब एक कॉइन से दो बनेंगे। एक मेरी मुट्ठी में है और देखिए बैग से थोड़ी जादू सी मट्टी निकालूंगा और जादू की मट्टी से दो कॉइन हो जाएंगे। बना दूं दो कॉइन? तो वो तो बनी है। नहीं सर, अभी एक ही है, ये देखो। और हाथ देख, मेरा खाली है, उधर वाला बिल्कुल खाली है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? इसी को तो मैजिक कहते हैं सर। देखिए दोबारा से, जब मैंने कॉइन मुट्ठी में रखा, बैग में ऐसे हाथ डाला, आपको ऐसा लगा जादू वाले ने बैग से कॉइन निकाल के डाल दिया। कॉइन नहीं डाला हूँ, अभी भी एक है, हाथ मेरा खाली। एक कॉइन है सिंगल, और देखिए दो कॉइन हो जाएंगे। और ऐसे बना दूं बाहर से ही या इस बैग में हाथ डाल के बना दूं? बाहर से ही। ये बैग अलग रख दिया सर। कॉइन चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, सिंगल है या डबल? सिंगल है, सिंगल ही लगा। देखिए दो बन जाएंगे, एक दो तीन बार ठोक दिया जे काल, पकड़ के से तोड़ के दो बना। ये क्या सीन था? तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पोल्ट्री से आप क्या क्या बना सकते हैं। ये दिया बना सकते हैं, कप बना सकते हैं, ये देख सकते हैं घड़ा बना सकते हैं। तो ये पोल्ट्री वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे कुछ भी आपको बनाना हो तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी बैठते हैं, तो आप अपना हाथ वगैरह दिखा सकते हैं, उनको कुछ जानना हो तो जान सकते हैं, ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में। तो आप यहाँ पे मेहंदी भी लगवा सकते हैं, और मेहंदी लगाने का भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं अलग से। और इस तरफ देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने का चक्की भी होगा एक। तो भाई बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। यहाँ पे मक्खन निकालने वाला भी आपको मशीन दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा सा एक चिंपांजी बनाया हुआ है भाई। ये तो रोबोटिक चिंपांजी है, चल भी रहा है, पलके भी झपका रहा है। देखो कितने बड़े बड़े दांत है इसके, हाथ भी चल रहे हैं इसके। ये देखो दोस्तों, ये सामने आप देख सकते हैं सूरजगढ़ फार्म का यहाँ पे जिप लाइन एरिया बनाया हुआ है, और जिप लाइन के साथ साथ यहाँ पे आप 60 से ज्यादा एक्टिविटीज के भी मजे ले पाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कैमल कट राइड कर सकते हैं, वॉल क्लाइंबिंग आप कर सकते हैं, कमांडो नेट आप कर सकते हैं, टार्जन स्विंग होगा, आर्चरी होगा, बूट कैंप होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो अंदर चलते हैं, आपको एक एक करके सारा दिखाते हैं। आप अगर बैग लेकर आते हैं तो यहाँ पे बैग भी आप रख सकते हैं, और कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको हार्नेस पहनने पड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सबसे पहले ना आपको हायरनेस पहनाया जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको ये डालना होगा। तो हम जिप लाइन वाले एरिया में आ चुके हैं, और काफी लंबा जिप लाइन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हमें जाना है। तो यहाँ पे एक साथ तीन तीन लोग जिप लाइन कर सकते हैं, और ये नीचे आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी एरिया रहेगा यहाँ पे। और इस तरफ देख सकते हैं आप ट्रैक्टर राइड कर सकते हैं, कैमल कार्ट राइड कर सकते हैं, जिप लाइन करते हुए आप कई सारे झूले भी लगे हुए हैं उस तरफ। सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो भैया, इस तरीके से लॉक कर दिया जाएगा, चले जाएंगे सीधा। बाय 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 गोपाल, चेक कर लो गोपाल भाई, चलो बैठ दो गोपाल। बाय 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 बाय, चढ़ा। मजेदार मजेदार, काफी लंबा जिप लाइन है यहाँ का, बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों जिप लाइन कर लिया है, 10 सेकंड के अंदर मैं उस पार से इस पार आ गया। अब जसमीत की बारी, जसमीत आ रहा है, दिखाते हैं आपको। ये आ गया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, स्मूथ थी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ सूरजगढ़ फार्म के राइड वाले जोन में। छोटा सा एक जायंट व्हील झूला लगा हुआ है, तो ये वाला झूला भी आप झूल पाएंगे। अभी स्टार्ट होने जा रहा है। ये वाला झूला मैं पहली बार झूल रहा हूँ, इतने सारे झूले झूल चुका हूँ मैं, अभी जायंट व्हील वाला झूला पहली बार झूल रहा हूँ। ये तो असली वाला है। हम लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर राइड करने, और देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया हुआ है, बैठने के लिए भी जगह होगा और ट्रैक्टर भी चलने वाला है।
फिलहाल चल पड़ा ये ट्रैक्टर। ये बहुत ज्यादा हिल रहा है, आराम से चलाओ भाई, बहुत ज्यादा हिलता है। ये तो रोलर कोस्टर है भाई, ट्रैक्टर राइड नहीं, रोलर कोस्टर लग रहा है। राइड था या रोलर कोस्टर समझ नहीं आया, ये बिल्कुल रोलर कोस्टर वाला फील आया मुझे ट्रैक्टर राइड करते हुए, एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मजा आया। लेकिन यहाँ पे आप कैमल कार राइड भी कर सकते हैं। बैठ जाओ। अरे नहीं, बैठना, बैठ जाओ। बोटने लग गया था, आराम करो। यहाँ पे आप बुल का ट्राइड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा एक्टिविटी एरिया बनाया हुआ है, ये कमांडो नेट वाला एक्टिविटी यहाँ पे कर पाएंगे, ट्रंक रोलिंग वाला एक्टिविटी कर पाएंगे, लॉक ऑन लॉक होगा, कमांडो ब्रिज होगा, इस तरफ आप देख सकते हैं टायर ब्रिज होगा, कैटवॉक होगा, मोगली वॉक होगा, क्रॉसिंग होगा, इस तरफ आप देख सकते हैं इधर होगा स्विंग ब्रिज होगा, बरमूडा ब्रिज होगा, टायर नेट क्रॉसिंग वाला होगा, जिग जैग होगा, कमांडो नेट होगा, बॉडी वेव होगा, और ये वाला वॉक वाला एक्टिविटी होगा, प्लैंक वॉक वाला होगा, हाई ब्रिज वाला होगा, रोप स्विंग होगा, स्विंग ब्रिज होगा। तो इतने सारे एक्टिविटी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए कुछ एक्टिविटी हम आपको करके भी दिखाते हैं। बॉल फाइट वाला गेम भी खेल पाएंगे, ये इस तरह की इसके अंदर जाके आप बॉल फाइट भी, बॉडी जॉर्बिंग भी बोलते हैं इसको, तो बॉडी जॉर्बिंग वाला गेम भी आप यहाँ पे खेल पाएंगे, या बॉडी जॉर्बिंग वाला एक्टिविटी भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। भाई ये सच में टफ है, टफ है ये वाला। अच्छा जो मैंने किया वो ज्यादा टफ नहीं था? बहुत ज्यादा हिल रहा है। अभी तो आएगा असली मजा। नहीं उधर तो आसान लग रहा है मेरे को, ये वाला टफ। अब ये देखना, ये बंधा हुआ है ना रस्सी से, नहीं तो फिर हिलता, फिर आता मजा। हाँ वो पूरे पैर आ जाते हैं ना इसके अंदर, एक बार दूसरे पर चढ़ दो फिर हो जाता। बहुत बढ़िया, बहुत ओह बढ़िया भाई, ये और अलग टाइप का, ये अलग टाइप। हिलोगे तो फिर ये भी ज्यादा हिलता है। नहीं हम कोई कई बार कोशिश नहीं भी करते हिलने की, अपने आप हिल भी जाता, इसलिए आराम आराम से चलो। तो कोई 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 नहीं हिलने का, हिलने का नहीं। बस हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वो मजा आ गया सच में। तो अब मैं ये वाली एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, ये वाला कमांडो नेट करने जा रहा। ओ भाई साहब बढ़िया। अभी तो नीचे आते हुए असली मजा आएगा, काफी आसानी से चला गया ये ऊपर बंदरों की तरह। तो अब इस तरह से नीचे आएगा, ये देखिए कैसे नीचे आ रहा, आराम आराम से भाई, आराम आराम से। क्या हो गया शक्ल पे, कुछ अलग ही चीज लग रही है। अरे कुछ नहीं, ये तो आसान, कुछ नहीं। अच्छा ना ना, खड़े मत हो, लेट लेट के ही आओ, पैर अगर गलत जगह पे हो तो नीचे सीधा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके के पीछे कई एक्टिविटीज है जो कर सकते हैं आप। ओ टार्जन स्विंग। इस तरफ आप देखते हैं बहुत सारे और भी एक्टिविटी आप कर पाएंगे, बहुत सारे एक्टिविटी हैं इस तरफ।